आप सब होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो भाई आज का जो ब्लॉग है, सबसे पहले हमें जाना है घर पे, क्योंकि मेरा नया घर बन रहा है। तो थोड़ी सी अपडेट आपको देनी जरूर बनती है, क्योंकि आप लोग भी यार मेरी फैमिली हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि घर कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी चलते सीधा घर पे, देता हूँ आपको अपडेट कितना घर बन चुका है, एंड कुछ एक स्पेशल सरप्राइज आ रहा है, वो भी आपको वहीं पे बताता। तो चलते सीधा घर पे। सो गाइज, आ चुके हैं साइड पे, एंड पीछे ये अपना हाउस। और इस हाउस को बनाने के लिए विशु आया आज अपने पास, खुद ही बताएगा क्या बताना है। बताओ क्या बताना है, बताओ। सबसे पहले तो हम जिससे हाउस अपना घर जिससे बनवा रहे हैं, वो हमारे काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं, एंड ये उनके बेटे हैं। तो बजाज बिल्टेक, जिन्होंने हमारा पहले भी एक तिलक नगर का जो घर था वो भी इन्होंने बनाया था, अब जो अशोका पार्क वाला घर है वो भी यही बना रहे हैं। तो एक बार आपको साइट अंदर विजिट करवाता हूँ, देखते घर कैसा बन रहा है। आप लोगों को भी थोड़ा सा अपडेट तो चाहिए, एंड उसके बाद एक छोटा सरप्राइज है। चलते हैं थोड़ी सी राइड, आज होगी राइड अच्छी, एक अच्छी सी राइड होगी, लेकिन उससे पहले घर का अपडेट देता हूं आपको। चलते हैं सीधा ऊपर ऊपर क्या बन रहा है पहले पता लगे। सो दिस इज पार्किंग लॉट, काफी बड़ा है। 200 स्क्वायर, कितने 200 गज कितना होता है स्क्वायर यार्ड्स में होता है? हां 200 स्क्वायर यार्ड्स। तो ये है 200 गज का हमारा घर, एंड ये है नीचे पार्किंग, एंड ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के दिखाता हूं कि ये क्या पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन कार पार्किंग है। स्ट्रेट लाइन कार पार्किंग है। बीच में आपने ज्यादातर कार पार्किंग्स में देखा होगा कि भाई बीच में पिलर्स दिक्कत करते हैं, जिससे गाड़ियों की एक दो गाड़ियों की जगह कम हो जाती है, लेकिन हमने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कराया। अभी ये तैयार हो रहा है, दिस इज लाइक कम्प्लीटली पिलरलेस पार्किंग। पिलरलेस पार्किंग बिल्कुल। और ये है अपनी लिफ्ट एरिया, ये है लिफ्ट एरिया स्टोर रूम, एंड यहाँ से स्टेयर्स ऊपर। तो ऊपर चलते हैं। सो अभी थोड़ा सा काम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। दिस इज हॉल, ये हॉल है लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया। और जो घर बन रहा है वो है डुप्लेक्स, मतलब दो फ्लोर इसमें डुप्लेक्स हैं, एंड दो फ्लोर जो हैं वो सेपरेट सेपरेट हैं, जैसे कि नॉर्मल फ्लोर्स होते हैं। किचन एरिया, ड्राइंग रूम एरिया, हॉल, ऊपर सारे बेडरूम्स। और भाई साहब आप भी कुछ बताइए। हाँ। आप आवाज नहीं निकल रही आपकी, ब्लॉग के पीछे बड़ी आवाज निकलती है। अब हम ब्लॉगर है ना भाई, हमें आदत हो गई है, हम तो सुबह उठे बनैन में भी हम डाल लेंगे। बिल्कुल, आई विल एक्सप्लेन। दिस विल बी लाइक लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया ड्यूप्लेक्स, डबल हाइट वॉल होगी इसकी, एंड दिस विल बी लाइक किचन एरिया, रूम साइज किचन। सो जो किचन एरिया है हमारा वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, एंड किचन काफी बड़ी है। स्पेशली इनकी मम्मा की डिमांड थी कि मेरे को बहुत ज्यादा यू नो स्पेशियस किचन चाहिए। एक तो हमारी इंडियन मदर्स है ना, उनको किचन बड़ी चाहिए होती है, खाना बनाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पर्टिकुलरली लिविंग एरिया है, और ये सेपरेटेड ड्राइंग एरिया है, मतलब टू बी स्पेसिफिक, जैसे फॉर्मल मीटिंग या फिर फॉर्मल यू नो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक फॉर्मल सेपरेटेड पार्टी चाहिए होती है, उसके लिए ये ड्राइंग एरिया बनाना। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे अगर मतलब कि हमें दिवाली के बाद ये घर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसके बाद होने वाली है बढ़िया बढ़िया पार्टी, मतलब बियर पार्टी, विस्की, ये वो सब चलेगा, टेंशन नहीं, वो भी ब्लॉग में आएगा, है ना भाई? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। सो घर जो है हमें दिवाली पे मिल जाएगा। काफी स्पीड से काम चल रहा है, और स्पीड से ही काम आगे तक चलता रहेगा। फटाफट ये तैयार हो रहा है, तीन लेंटर डल चुके हैं, दो लेंटर रह गए हैं। सो अभी आप लोगों ने देख लिया, धीरे धीरे आने वाले ब्लॉग्स में आपको घर की थोड़ी थोड़ी अपडेट्स आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। और एक बात मैं और बताऊं, अगर आप लोगों ने भी अपना घर बनाना तो इंस्टाग्राम पे आईडी आ रही होगी इसकी, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करो जाके, काम वहां पे देखो क्या ये बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड घर तो बहुत बढ़िया बनाते हैं। टू बी स्पेसिफिक, मैं भैया को इनकी जो प्रॉपर्टी बन रही है उसका 2D और 3D वीडियो भी दे दूंगा, जिससे आपको भी पता। एलिवेशन अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यार मजा खराब हो जाएगा, आप लोग अभी वो तो प्रॉपर यू नो सस्पेंस होता है कि हाँ भाई क्या चीज निकल के आ रही है, और आपको दिखेगा वो चीज बिल्कुल क्या क्या बेसिकली क्या 3D वीडियोस मैंने रेंडर करी है, और टू बी स्पेसिफिक क्या उसका आउटकम आया। लेकिन जल्दी से जल्दी घर बने, ताकि हम जल्दी से जल्दी पार्टी करें, और जो टेरिस है वो प्रॉपर पार्टी रूम बनने वाला है, मतलब
बढ़िया बनने वाला है, वो आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। लेकिन जो आज का जो सरप्राइज है वो नीचे खड़ा है। बिया के लिए एक बर्थडे सरप्राइज लाया। बर्थडे तो अब निकल गया, थोड़ा लेट हो गया बर्थडे। बिना पूछे चले गए ट्रिप पे और उनके लिए मैं सरप्राइज रेडी करके रखा था, तो आज लेके आए हैं वो सरप्राइज। सरप्राइज आ गया है, चलते नीचे सरप्राइज देखने। अगर आप लोगों ने सरप्राइज देखना है वीडियो देखो, बिल्कुल चलते हैं और आज राइड करेंगे मेरे स्टाइल से जैसे मैं करता हूँ। तो चलते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं नहीं डरना नहीं है, डरना नहीं, चलो चलो। सो भाई विशु लेके आया है नई गाड़ी, एंड जो ये गाड़ी है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मिनी कूपर एस, मतलब कि कन्वर्टेबल वाली है। एंड इसको आज चलाते हैं, राइड करके देखते हैं। 2 लीटर 4 सिलेंडर 135 BHP, ट्यून करा के 230-240 तक जाती है, और एग्जॉस्ट अभी इसने लगवाया नहीं है, ट्यून भी करानी है, काफ़ी जो ट्यूनिंग वाला सामान है वो भी हमने पता करना है। सो पहले इसको आज चला के देखते हैं, कन्वर्ट करके देखेंगे, एंड ये भी दिखाऊंगा कि इसमें कितनी स्पेस है, ले सकते हो कि नहीं ले सकते, वो बाकी देखते हैं। लेकिन चलते हैं एक शॉर्ट स्पिन पे फटाफट। ये एरी अपनी मिनी कूपर, एंड चलते हैं फटाफट इसमें। सो ये स्टार्ट कर रहे हैं बटन। सो अभी ये गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर, एंड अभी कन्वर्ट करी हुई है। सो पहले ऊपर से इसको करते हैं पैक, गर्मी काफ़ी है ऊपर से। हाँ जी ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया गाड़ी। तो गाड़ी बढ़िया लगी, चलो चलते हैं एक शॉर्ट स्पिन पे, राइड मार के आते हैं एक बढ़िया सी। तो स्पोर्ट्स कार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक में यही है कि जब इसको थोड़ी सी हाइट पे निकालना पड़ता है तो टेढ़ा करके, नहीं तो नीचे से रगड़ लग जाएगी, एंड चैम्बर से ऑयल भी आ सकता है, ये हमने बहुत देखा है। तो भाई साहब थोड़ा टेढ़ी करके निकालो आप, टेढ़ी करके ही तो निकाल के थक गए। इसके अंदर एयर लिफ्ट होनी चाहिए थोड़ा सा ना, एयर सस्पेंशन होना चाहिए। सो भाई ये है मिनी कूपर एस, एंड यहाँ पे कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। हाँ, कलर्स तो अभी ये ग्रीन पे है, मतलब ग्रीन मतलब इसका इको मोड होता है। तो ये अभी ये स्पोर्ट्स मोड है, तो ये अभी स्पोर्ट्स मोड है, तो ये सारी रेड थीम हो जाएगी, और जैसी आप इको पे करोगे नीचे होगा इको। सो ये मिड पे आ गई, मिड मतलब ऑरेंज। सो ये ऑरेंज हो गई है और एक ग्रीन हो गया। मतलब वैसे तो पर्टिकुलरली इसके अंदर आई थिंक सो 11-12 कलर्स हैं जो कि इस स्विच से हम चेंज कर सकते हैं, इस वाले स्विचेस से हम सारे कलर चेंज। और इस गाड़ी के अंदर मैंने देखा जितने भी स्विच है ना, सारे फाइटर जेट जैसे हैं, जैसे कॉकपिट के अंदर एयरप्लेन्स के अंदर होता है कॉकपिट में, तो वैसे इसके सारे स्विचेस हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये स्क्रीन जो मेन है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मिनी कूपर देखी थी लैबरिंथ के गाने में, अर्थक्वेक सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना। तो उसका जो गाना प्ले होता है उस वीडियो के अंदर सिर्फ मिनी कूपर ही होती है, और मिनी कूपर पे ही गाना बना हुआ है वो। तो सबसे पहले आई थिंक सो मिनी कूपर, आई थिंक सो वही है वो कार, मिनी कूपर ही है वो, मिस्टर बीन की देखी थी, मिस्टर हाँ वो सबसे छोटी वाली। अभी रिसेंटली मैं जब ट्रैक पे गया था, मैंने वो जो मिस्टर बीन के पास गाड़ी थी उस टाइम पे, वो सेम एज इट इज मैं देख के आया था, वही पीस सेम रेड कलर की। सो अभी एक शॉर्ट स्पिन मारेंगे आराम से, गर्मी बहुत ज्यादा है और अभी इंडिया हाई अलर्ट पे, मतलब दिल्ली तो हाई अलर्ट पे हो चुकी है। सही बात है, 3 दिन के लिए हीट वेव चलेगी। 44 अप्रैल के अंदर 44 डिग्री जा रहा है। सेंटर कंसोल जो है सारा फाइटर जेट जैसे है, मतलब कि जैसे एयरप्लेन्स के अंदर होता है ऐसे टक टक टक। स्क्रीन बहुत ही ज्यादा बड़ी है, मतलब ये टच नहीं है, टच है। व्हीकल सेटिंग्स आ गई आपकी यहाँ पे, मतलब लाइट्स ये वो हर चीज इसके अंदर दी हुई है। हेड अप डिस्प्ले, मतलब मेरे को यहाँ से नहीं दिख रही, इसको जरूर दिख रही होगी, वो सिर्फ ड्राइवर को ही दिखती है। तो हेड अप डिस्प्ले बेसिकली, हेड अप डिस्प्ले किस लिए है, अब तो बलिनों में भी आने लगी। सही है, अब तो हेड अप डिस्प्ले बलिनों में भी है भाई साहब। सही कह रहे हो, तो लगाओ जरा खिंचे, लगाओ बलिनो बोल के ना एकदम बेइज्जती कर रहे हो भाई, खिंचे लगाओ खिंचे, खिंचे की जगह भी तो होनी चाहिए, खिंचे की जगह नहीं है, अभी आगे थोड़ी जगह आएगी तो खिंचे लगेंगे फुल, अभी खिंचे लग नहीं। वाह राज विशु फॉर्म में आ गया। VIC है, VIC मेरे पास पर्टिकुलरली पहले भी मिनी कूपर थी, उसके अंदर मेरा लाइक 3 लाख रुपीज का एग्जॉस्ट मैंने लगवाया, इससे पहले भी एक कूपर रखी हुई है, सेम कूपर थी मेरे को, लाइक मेरे डैड को ये पर्टिकुलरली पसंद है कूपर, तो उन्होंने दोबारा ये परचेज करी है। तो लेकिन अभी
जो रेमर्स का एग्जॉस्ट है या जॉन कूपर वर्क्स का एग्जॉस्ट है। सबसे लाउड कौन सा है इसके अंदर? सबसे लाउड मेरे ख्याल से रेमर्स का है, जो कि 275 का है, 275,000 का। अच्छा। इस टाइम पे जॉन कूपर वर्क्स का पहले लगा था ओरिजिनल, वो मेरे को अप्रोक्सीमेटली पड़ा था 2.5 लाख रुपए के आसपास। कंपनी स्टॉक एग्जॉस्ट था, वॉल्वोट्रॉनिक। एंड व्हाट अबाउट क्रैकल्स? वो उसके अंदर सब था, टक 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 पूरा, मतलब जैसे पटाखे, जैसे आप डाउनशिफ्ट मारो ना, दे टटर, जो लड़ियां चलने वाली है। एक्चुअली में वैसे ही था। तो इसके अंदर अभी काफी कुछ काम कराने वाला है, अभी ये बिल्कुल स्टॉक है, लेकिन हाँ स्टॉक में भी आपको ना एक मतलब प्रॉपर फील लेगी कि हाँ ये गलत है चीज। एंड बेसिकली दिस इज गोल्फ कार यार, लेकिन इतनी पावर है। हाँ, ये बेसिकली लेजर कार है, किसी की भी प्राइमरी कार नहीं हो सकती। ऑलरेडी जिसके पास 2 या 3 कार्स है वो फोर्थ या मतलब थर्ड या फोर्थ कार खरीदते हैं, कोई किसी की भी प्राइमरी कार नहीं होती, क्योंकि इतना ज्यादा वो कंफर्ट नहीं है, ये सिर्फ ट्रूली लग्जरी है बस। और ये जो इंग्लैंड का झंडा है ना, ऐ बढ़िया लगता, सोना है इंग्लैंड का। और पर्टिकुलरली मतलब आप अगर शोरूम से लेने जाओगे गाड़ी तो आपको एक एक चीज कस्टमाइज करवानी पड़ती है, मतलब इवन ऑफ ये वाली स्क्रीन, हैंड रेस्ट, ये सब कुछ कस्टमाइज है, सारा ये सारा कुछ कस्टमाइज है इसके अंदर। हाँ जी, ये जो आप देख रहे हो ये पर्टिकुलरली मतलब इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, अगर आपको डिजिटल स्क्रीन लगवानी है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अभी इसमें एनालॉग लगी हुई है, डिजिटल भी लगी, डिजिटल भी लग जाती है, और रिवर्स कैमरा के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। कैमरा भी नहीं देते रिवर्स, कैमरा भी नहीं देते। इतनी महंगी गाड़ी, 50 लाख रुपए की गाड़ी है, 40 या 50 लाख की, हां ऐसी है, 40-50 लाख की गाड़ी है, रिवर्स कैमरा नहीं है, क्या करें, क्या हो सकता है। ओ माय फ्रेंड्स, भूसा। तो यहाँ पे अभिषेक आ रहे हैं पीछे भूसा पे, एंड भाई ने नया नया एक्सटेंडेड व्हील बेस लगाया जिक्सर के अंदर ड्रैग रेस के लिए। रात को चलाएंगे, दिखाएंगे ड्रैग रेस वगैरह। फिर से दबाओ, हम इसको चला रहे हैं मैनुअल शिफ्ट पे, स्पोर्ट्स मोड है, चेक कर लो। भाई साहब लोग देख रहे हैं, प्लीज कोई नहीं करो, कैमरा लाओ इधर है। भाई साहब कैमरा नहीं छोड़ सकता भैया, प्लीज। भाई साहब देखो, साफ सीधी बात है। हाँ जी भाई साहब, ठीक है, एक बात बोलूंगा, चलाने में और बैठने में बहुत फर्क है, ठीक है, बिल्कुल फर्क है। ये गाड़ी स्टॉक है तो ये हाल है, अभी ये ट्यून कराएंगे हम इसको तो कहाँ तक जाएगी। हाँ जी, कैसा लग रहा है? हाँ बताओ, आस पास वाले लोग झाँक रहे हैं आपको? कोई बात नहीं, झाँक रहे हैं तो कोई बात नहीं, झाँकने दे। अभी एग्जॉस्ट नहीं लगा, इसमें एग्जॉस्ट लगा ना, मैं कह रहा हूँ गंद डाल दूंगा मैं। भाई साहब आपने पहले वाली मिनी चलाई होती तो पहले वाली पूरी एफ वन ना मेरे को। पूरी एफ वन गाड़ दी हो, पूरी प्रॉपर एफ वन। और यहाँ पे इस नुक्कड़ पे गारंटी गारंटी, इधर पुलिस वाले खड़े होते हैं आपको पकड़ने के लिए। कोई नहीं, मेरे साथ तो वैसे ही पुलिस वालों का 36 का आंकड़ा है। 36 का? हाँ, वो हमेशा मेरे को तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। बन्नी भाई आए, फटाफट पकड़ो, आ जाओ पकड़ो, ये वही है पानीपत वाला लड़का, हमारी भी वीडियो बताओ। हाँ। तो आपको ये बात बताओ कि फील कैसी आ रही है चला आगे? फील बहुत बढ़िया आ रही है, सड़क नहीं मिल पा रही मेरे को जो चीज चाहिए ना वो सड़क मिल नहीं पा रही मेरे को। वो तो इस टाइम तो मैं वट कटा देता, इस टाइम तो मिलेगी भी नहीं। आपको मिलेगी रात को 11 बजे के बाद। यस, तो अभी यू टर्न मार के चलते हैं अंदर थोड़ी सी शांत जगह पे। हाँ, फिर आपको स्पेसिफिकेशन बताते हैं। लो भाई साहब, ये तो जेलस फील कराने वाली बात है, ज्यादा हो गई सी, ज्यादा ज्यादा हो गई भाई साहब, ज्यादा हो गई थी ये।
हमार को देख के सबने गाड़ियां निकाल ली है घर से। जैसी कूपर निकली पीछे से पोर्शे आ रही है। और क्या, इसको भी रोक ले, आजा नाली आजा। कोई नहीं, ये पीली निकलवा ले, बताओ। नहीं, वो भी अपना थोड़ी आवाज चेक करा रहा था हमें। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? जेलस जेलस। ओहो, बोटिंग हो रही है, ब्लोटिंग। अच्छा जी, सिस्टम वाले भी घूमते हैं, चलो सीधा ले लेते हैं। भैया आप क्या करवा के मानोगे आज, ये बात बताओ। ये मैं कह रहा हूँ, ये गाड़ी अपने नाम करवा के मानूंगा। वो तो भाई साहब पापा नहीं ले देंगे, ये नहीं लेके देंगे। उन्होंने कहा था नहीं नहीं ले ले तू, ये नहीं देनी। तो अभी मैं इसको चला रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड पे, वो भी मैनुअल शिफ्ट पे, क्योंकि पेडल शिफ्ट का कुछ ज्यादा मजा आता है मेरे को। मैनुअल गियर डालने में ये है कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऑटो पे तो बस ठह 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 जाती रहेगी, बस कोई फर्क मजा नहीं आएगा ज्यादा खास। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, कि थोड़ी धीरे चला लो प्लीज। हाँ, चलो धीरे चलाते हैं एकदम, मतलब कन्वर्टेबल का मजा लो यार, स्पोर्ट्स का मजा मत लो। इतनी गर्मी में भी हम कन्वर्टेबल का वैसे मजा। देखो अब आपने ये नोट करी होगी, इतने टाइम से आप चला रहे हो, काफी देर हो गई आपको 15 मिनट चलाते हुए, गर्मी लगी आपको? सच बताना। गर्मी अभी तक तो नहीं लगी, एसी वेंट्स, हवा लगती जा रही है, हवा ऊपर से निकलती जा रही है, अंदर नहीं आ रही। मेन बात यही है, इसके जो एसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 15 मिनट से भैया चला रहे, अगर नॉर्मल चला रहे होते ना गाड़ी तो पसीने आ जाते। अब तक अभी तक आ जाते पसीने, जो कि हमें अभी तक आ नहीं रहे। रिएक्शन देखो राजे, रिएक्शन। ये स्पाइडरमैन कहाँ से आ गया? बैटमैन भी आ गए ने, अवेंजर। ओए ये मार लिया है क्या? मिलो, आओ इधर आओ इधर। अरे शक्तिवान है भैया, आराम से यार, भैया आराम से प्लीज, आराम से यार प्लीज। मैं शक्तिमान को बुला लूंगा। वो वहां पे वो भी थी, वो वंडर वुमन, वंडर वुमन, वंडर वुमन थी भाई साहब। ये भैया मेरी नहीं मान रहे, आप प्लीज कमेंट करके मनवाओ यार, इनको मेरी फटी जा रही है यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ भैया, भैया आपका कमरा गंदा बना दूंगा। नहीं नहीं, यो है घर बढ़िया बनाना, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। आपको ब्लैक वेलिंग थोड़ी बहुत तो चलेगी ना भैया। भैया ओ भैया, आराम से भैया, आराम से यार प्लीज। एग्जॉस्ट लगवा ले, मैं कह रहा हूँ रात को भैया को बहुत परेशान करने वाले हैं। एग्जॉस्ट लगवा दिया ना, खत्म हो जाएगा मैं तो। एग्जॉस्ट लगवा ले रात को, मजा आएगा बहुत ज्यादा। शुक्र है भगवान का आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं तो इधर तो हवा में उड़ा देनी थी गाड़ी। सो भाई मिनी कूपर चलाई, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, भाई को फॉलो नहीं करा तो फटाफट जाके फॉलो करो, आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी। और भाई को मजा भी सपोर्ट करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, लाइक करो यार फुल टू फुल। मतलब हालत ना लौंडे की थोड़ी सी खराब हो गई थी जब मैं खींच रहा था गाड़ी। ओ धीरे 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 धीरे, अरे धीरे चल रही है भाई, वो थोड़ा सा फील ऐसे होता है। सीधी सी बात है, चलाने में और बैठने में ना बहुत ज्यादा ही फर्क है। ये बात तो है, बहुत जो साथ वाली सीट पे बैठता है ना उसकी तो अच्छे से फटी होती है, लेकिन हाँ जो चला रहा है उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं निकाल लूंगा। साथ वाले को नहीं ना बाहर निकाल पाएगा, नहीं तो सीधा फोटो पे हार चढ़ेगा। तो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड जो नेक्स्ट ब्लॉग है उसके अंदर इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहता है ये, एंड एग्जॉस्ट लगेगा, काफी चीजें हैं, स्टेज टू रीमैप, जिससे ये पटाखे थोड़े ज्यादा मारेगी, बिल्कुल मजा आएगा। तो जीटी ट्यूनर या ऑटो साइक चलेंगे ट्यून कराने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।